हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही प्यारा आसान सा डिज़ाइन लेके आई हूँ। इसको बनाना बहुत ही आसान है फ्रेंड्स, ये सिर्फ एक लाइन का डिज़ाइन है। तो आइए फ्रेंड्स, देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं डिज़ाइन बनाना। फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरी ऊन थोड़ी मोटी सी है। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं 9 नंबर की सिलाई का यूज़ कर रही हूँ। फ्रेंड्स, इस पैटर्न को बनाने के लिए हमें 2 के मल्टीपल में फंदे लेने होंगे। यहाँ पर मैंने 16 फंदे लिए हुए हैं। फ्रेंड्स, एक ही लाइन का डिज़ाइन है, इसी एक लाइन को हमने बार बार दोहराना है। तो पहले एच के फंदे को आप सीधा बुन लीजिए या उतार लीजिए। यहाँ पे मैं सीधा बुन लेती हूँ। अब धागे को अपनी तरफ लाएंगे, देखिएगा। फिर धागे को अपनी तरफ ला के धागे को ऐसे लपेटेंगे, यानी जाली डालेंगे। आगे हमने 2 फंदों का एक करना है उल्टा बुनते हुए। एच के फंदे को छोड़ के यही 2 फंदे हमने पूरी रो में दोहराने हैं। फिर से देखिएगा फ्रेंड्स, धागा अपनी तरफ है, धागे को ऐसे लपेटेंगे और अपनी तरफ को ले आएंगे। यहाँ पे एक हमारी जाली बन गई है और एक फंदा हमारा यहाँ पे बढ़ गया है। फिर 2 फंदों को एक साथ हम 2 का 1 कर देंगे उल्टा बुनते हुए। पूरी रो को हमने ऐसे ही बनाना है, धागे को ऐसे लपेटेंगे यानी जाली डालेंगे। इससे क्या होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे एक फंदा हमारा बढ़ जाएगा। आगे के 2 फंदों को एक साथ हम 2 का 1 कर देंगे उल्टा बुनते हुए। फिर से रिपीट कर रहे हैं, धागे को ऐसे लपेटेंगे और 2 फंदों का 1 कर देंगे हम उल्टा बुनते हुए। फिर से धागे को ऐसे लपेटेंगे और 2 फंदों का 1 कर देंगे हम उल्टा बुनते हुए। फिर से धागे को ऐसे लपेटेंगे और 2 फंदों का 1 कर देंगे हम उल्टा बुनते हुए। फिर से धागे को ऐसे लपेटेंगे और 2 फंदों का 1 कर देंगे हम उल्टा बुनते हुए। धागे को पीछे करके एच के फंदे को हम सीधा बुन लेंगे, क्योंकि हमारी सीधी साइड है। यहाँ पर हमारी 1st रो बन के कम्प्लीट हो गई है। अब आते हैं बैक साइड में। बैक साइड में भी हमने सेम ऐसे ही बनाना है। तो सबसे पहले एच के फंदे को आप स्लिप कर लीजिए या बुन लीजिए। यहाँ पे मैं एक फंदा उल्टा बुन लेती हूँ। यहाँ से हमारे डिजाइन के फंदे शुरू हो रहे हैं। धागे को ऐसे लपेटेंगे और अपनी तरफ को ले आएंगे। फिर हम 2 फंदों का 1 कर देंगे उल्टा बुनते हुए। एच के फंदे को छोड़ के यही 2 फंदे हमने पूरी रो में दोहराने हैं। फिर से धागे को ऐसे लपेटेंगे और 2 फंदों का 1 कर देंगे हम उल्टा बुनते हुए। फिर से रिपीट कर रहे हैं, धागे को ऐसे लपेटेंगे और 2 फंदों का 1 कर देंगे हम उल्टा बुनते हुए। फिर से धागे को ऐसे लपेटेंगे। फ्रेंड्स, ध्यान ये रखिएगा कि जो दूसरा फंदा है ये हमारा जाली वाला होना चाहिए। पहला ये फंदा और दूसरा हमारा जाली वाला। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे तो हमारा डिज़ाइन बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। 2 फंदों का 1 कर देंगे हम उल्टा बुनते हुए। फिर से धागे को ऐसे लपेटेंगे, देखिएगा पहला ये फंदा है जो हमने बुना था और दूसरा वाला फंदा हमारा जाली वाला है। दोनों फंदों को एक साथ हम उल्टा बुन लेंगे। फिर से रिपीट कर रहे हैं, धागे को ऐसे लपेटेंगे और 2 फंदों को 1 साथ लेंगे। पहला ये फंदा और दूसरा हमारा जाली वाला। दोनों फंदों को एक साथ हम उल्टा बुन लेंगे। फिर से धागे को ऐसे लपेटेंगे, एक फंदा ये और दूसरा फंदा हमारा जाली वाला। दोनों फंदों को एक साथ हम 2 का 1 कर देंगे उल्टा बुनते हुए। लास्ट में एच के फंदे को हम उल्टा बुन लेंगे। तो यहाँ पे बैक साइड की रो बन के हमारी कंप्लीट हो गई है। तो फ्रेंड्स, एक बार मैं फिर से आपको रिपीट करके बता देती हूँ। पहले फंदे को हम सीधा बुन लेंगे, धागे को अपनी तरफ लाएंगे और धागे को ऐसे लपेटेंगे और अपनी तरफ को ले आएंगे। फिर आगे के 2 फंदों को एक साथ हम उल्टा बुन लेंगे। धागा अपनी तरफ है, धागे को ऐसे लपेटेंगे और अपनी तरफ को ले आएंगे। फिर 2 फंदों का 1 कर देंगे हम उल्टा बुनते हुए। फिर से धागे को पीछे ले जाएंगे और सिलाई पर लपेटते हुए अपनी तरफ को ले आएंगे। फिर 2 फंदों का 1 कर देंगे हम उल्टा बुनते हुए। फिर से यार्न ओवर करेंगे और 2 फंदों का 1 कर देंगे हम उल्टा बुनते हुए। फिर से धागे को ऐसे लपेटेंगे और 2 फंदों का 1 कर देंगे हम उल्टा बुनते हुए। फिर से धागे को ऐसे लपेटेंगे, देखिएगा फ्रेंड्स, ये हमारा फंदा है। दूसरा फंदा हमारा जाली वाला होना चाहिए। देखिएगा फ्रेंड्स, पहला ये फंदा, दूसरा जाली वाला। दोनों फंदों को एक साथ हम उल्टा बुन लेंगे। फिर से धागे को ऐसे लपेटेंगे और 2 फंदों को 1 साथ हम उल्टा बुन लेंगे। धागे को पीछे करके एच के फंदे को हम सीधा बुन लेंगे। तो यहाँ पे हमने 1st रो को फिर से रिपीट किया है। अब आते हैं बैक साइड में। बैक साइड की रो भी हमने ऐसे ही बनानी है। सबसे पहले एच के फंदे को हम उल्टा बुन लेंगे। यहाँ से हमारे डिजाइन के फंदे शुरू हो रहे हैं। धागा अपनी तरफ है, धागे को ऐसे पीछे ले जाएंगे और सिलाई पे लपेटते हुए अपनी तरफ को ले आएंगे। इससे क्या, यहाँ पे एक फंदा हमारा बढ़ जाएगा। फिर 2 फंदों को 1 साथ ऐसे लेंगे
और दो फंदों का एक कर देंगे हम उल्टा बुनते हुए। फिर से धागे को ऐसे लपेटेंगे। अब दो फंदों को ऐसे लेंगे, एक फंदा ये है और दूसरा वाला फंदा हमारा जाली वाला है। दोनों फंदों को एक साथ हम उल्टा बुन लेंगे। फिर से रिपीट कर रहे हैं, धागे को ऐसे लपेटेंगे और दो फंदों को ऐसे लेंगे, दो का एक कर देंगे उल्टा बुनते हुए। फिर से धागे को ऐसे लपेटेंगे, दो फंदों का एक साथ हम दो का एक कर देंगे उल्टा बुनते हुए। फिर से धागे को ऐसे लपेटेंगे और दो फंदों का एक कर देंगे हम उल्टा बुनते हुए। फिर से धागे को ऐसे लपेटेंगे और दो फंदों का एक कर देंगे हम उल्टा बुनते हुए। फिर से धागे को ऐसे लपेटेंगे और दो फंदों का एक कर देंगे हम उल्टा बुनते हुए। लास्ट में एच के फंदे को हम उल्टा बुन लेंगे। तो यहाँ पे बैक साइड की रो बन के हमारी कंप्लीट हो गई है। तो फ्रेंड्स, इस तरह डिजाइन बन के हमारा ओवर हो गया है। फ्रेंड्स, आगे आपने इसी एक लाइन को बार बार दोहराते जाना है, सीधी साइड से भी और उल्टी साइड से भी, क्योंकि दोनों तरफ से हम एक जैसा बुन रहे हैं। जब आप एक लाइन को बार बार दोहराते जाएंगे दोनों तरफ से, तो फ्रेंड्स डिजाइन बन के कुछ इस तरह से नजर आएगा। बहुत ही प्यारा डिजाइन है फ्रेंड्स, दोनों तरफ से एक जैसा दिखाई देता है। तो फ्रेंड्स, जब आप एक लाइन को दोनों तरफ से दोहराते जाएंगे तो डिजाइन बन के कुछ इस तरह से नजर आएगा। बहुत ही प्यारा, बहुत ही आसान डिजाइन है, दोनों तरफ से एक जैसा दिखाई देता है। ये हमारी फ्रंट साइड है और ये हमारी बैक साइड है। फ्रेंड्स, इस पैटर्न को आप कार्डिगन में, जैकेट में, शॉल में, मफलर में, कहीं भी डाल सकते हैं, बनके बहुत ही सुंदर नजर आता है। तो फ्रेंड्स, एक बार ट्राई जरूर करिएगा। फ्रेंड्स, यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।